महेंद्रगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रमोशन पर विवाद। लॉ डीन ने वीसी पर लगाए नियमों से खिलवाड़ के आरोप, बोली चोरी छिपे कर रहे मीटिंग। महेंद्रगढ़ के केंद्रीय विश्वविद्यालय की विधि विभाग की डीन एवं डिपार्टमेंट विभाग हेड ने यूनिवर्सिटी के वीसी पर गलत तरीके से कर्मचारियों के प्रमोशन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। वहीं विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी ने आरोपों को निराधार बताया। यूनिवर्सिटी के गुरुग्राम कैंपस में प्रमोशन को लेकर केंद्रीय विश्वविद्यालय केवीसी सिलेक्शन कम वैल्यूएशन कमेटी की बैठक ले रहे थे। इस मौके पर विधि विभाग की हेड डॉक्टर मोनिका मलिक ने विरोध जताया। उनका कहना है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय केवीसी विश्वविद्यालय को छोड़कर गुरुग्राम में गलत तरीके से कर्मचारियों के प्रमोशन कर रहे हैं। प्रमोशन की 3 स्टेज की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन उन्हें अभी तक इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। प्रमोशन की दूसरी प्रक्रिया सेल्फ प्रपोजल रिपोर्ट होती है, उसकी वह रिपोर्टिंग ऑफिस है, लेकिन फिर भी इसमें शामिल नहीं किया गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय केवीसी जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रमोशन करके उन्हें इस पद से हटाना चाहते हैं, इसलिए गुरुग्राम में गुप्त रूप से कर्मचारियों के प्रमोशन किए जा रहे हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी कैंपस में उनके साथ हैरेसमेंट की जाती है, यहाँ चोरी छिपे कर्मचारियों के प्रमोशन किए जा रहे हैं। जब मैंने मौके पर पहुंचकर इस बारे में जानना चाहा तो वीसी तथा कमेटी के सदस्य कोई भी जवाब नहीं दे पाए। वीसी उनके जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रमोशन करना चाहते हैं। ये जूनियर प्रोफेसर प्रमोशन की सभी प्रक्रियाओं को पूरा नहीं करता। इसके अलावा अन्य विश्वविद्यालय के 2 बार सिलेक्शन कमेटी द्वारा उनकी प्रमोशन की फाइल रिजेक्ट की जा चुकी है। इसके बावजूद भी केंद्रीय विश्वविद्यालय केवीसी गलत रूप से इस कर्मचारी का प्रमोशन करना चाहता है। मोनिका मलिक ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रबंधन विधि विभाग बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। LLB तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को परीक्षा से 1 दिन पहले असाइनमेंट में बहुत कम नंबर दिए गए हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों की हाजिरी भी बहुत कम दिखाई गई है, ताकि विद्यार्थी परीक्षा में पास न हो सके। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं होती है तो वह अनिश्चितकालीन धरना देगी। केंद्रीय विश्वविद्यालय केवीसी प्रोफेसर टिंकेश्वर कुमार ने कहा कि यह केवल प्रमोशन की प्री स्क्रीनिंग हम अपने फायदे के लिए करते हैं, ताकि फाइनल इंटरव्यू से पहले सब कुछ पता किया जा सके। एक प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उनके सभी प्रोफेसर होते हैं चहेते केंद्रीय विश्वविद्यालय में, वह करीब 100 कर्मचारियों का प्रमोशन कर चुके हैं। 15 से 20 कर्मचारियों के प्रमोशन पेंडिंग है। सभी कर्मचारियों के प्रोफेशन किए जाएंगे। सबसे पहले 2016-17 के पेंडिंग कर्मचारियों के प्रमोशन किए जाएंगे। देखिए, मैं यहाँ, ये कैंप ऑफिस है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ का कैंप ऑफिस है, और मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ में लॉ डिपार्टमेंट में डीन और हेड हूँ, डॉक्टर मोनिका मलिक। आई एम हेड एंड डीन ऑफ द डिपार्टमेंट। यहाँ पर प्रमोशंस गलत ढंग से करने के लिए यहाँ पर सिलेक्शन कम इवेल्युएशन कमेटी बुलाई गई थी। कैंपस को छोड़ के यहाँ जितने गोरख धंधे हैं, वीसी साहब यहाँ इलिसिट जितने प्रमोशंस हैं यहाँ कराते हैं। और आप ये देखिए कि हेड और डीन की कैपेसिटी में 3 स्टेजेस पे वीसी साहब ने मुझे हवा तक नहीं लगने दी। मेरे को बाईपास करा। सबसे पहला कि जब अप्लाई करा, हमारी लॉ की फैकल्टी के प्रमोशन इन्वॉल्व हैं, जब उन्होंने अप्लाई करा वो थ्रू जानी चाहिए थी हेड, कोई फाइल नहीं आती है, कोई एप्लीकेशन नहीं आती है। उसके बाद सेकंड स्टेज है SAR, सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट है, उसके लिए मैं रिपोर्टिंग ऑफिसर हूँ हेड होल्डिंग की कैपेसिटी में, नहीं आती है। और तीसरा कि जो सिलेक्शन कम एवेल्युएशन कमिटी है, उसकी आप कंपोजिशन हमारे यूनिवर्सिटी का ऑर्डिनेंस कहता है कि उसमें हेड और डीन आर द मेंबर्स ऑफ दैट कमिटी, 3 जगह मुझे बाईपास करते हैं। क्यों करते हैं? 2 बड़े रीजन हैं उसके। DPS पुनिया जी, जो मेरे बाद मेरे से जूनियर हैं एसोसिएट प्रोफेसर, मेरा बिना करे उनको प्रोफेसर बना के मुझे डीनशिप से हटाना चाहते हैं। बहुत समय से इनडायरेक्टली मेरी ऑफिस में हरासमेंट करते रहे हैं, यहाँ तक कि ये भी कोशिश करते रहे कि किसी दिन ये छुट्टी लेके चली जाए ताकि ऑफिशियल पुनिया जी कर लें। 2 मिनट अगर मैं नजर नहीं आती, मेरा जीना हराम करा हुआ, ये पुनिया जी कर्टन बाहर से झाड़ने शुरू कर देते हैं कि ये ना हो तो सारी फाइल्स इनके निकल जाए उस ऑफिस में, मैं ऑफिशिएट करूं और ये निकल जाए। जब कुछ भी ऐसा नहीं कर पाए तो चोरी छुपे यहां पर ये काम किया गया, जब अपनी हर एक उसमें रह गए। और पुनिया जी की यहाँ पे हो रही है सिलेक्शन कम एवेल्युएशन कमेटी में, पुनिया जी को इन बुलाया गया है, DPS पुनिया को,
वो सीएल अप्लाई करके आते हैं। पहली बात यह है कि जब यहाँ पर स्क्रूटनी हो रही है तो सीएल का कोई विषय नहीं है, वो तो ड्यूटी है इनकी और ये स्पेशल कैजुअल लीव है। और अगर स्पेशल कैजुअल लीव डीपीएस पुनिया जी देते तो डेफिनेटली हैज टू शो टू द हेड कि भाई क्या चीज है। और वो एक हेड के हेड बीइंग द हेड मुझे पता लगता कि भाई यहाँ ये हो रहा है, और मुझे बिना बताए मेरी सीनियोरिटी को एक तरफ रख के और पुनिया जी को प्रोफेसर बनाने के लिए ये काम हो रहा था और उसमें ये कामयाब हो भी जाते अगर ये चीजें मुझे ना पता लगती। और यही सब कुछ चल रहा, यहाँ पे सब कुछ हुआ है। कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, दो इंटरनल मेंबर्स डाले गए हैं, संजीव यादव जी हैं और राजेश गुप्ता जी हैं, और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है वो थी, और वीसी साहब है। जब मैंने एंटर किया तो इनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था। जब इनसे पूछा गया कि आप बताइए कि आप क्यों कर रहे हैं तो कुछ नहीं कह पाए क्योंकि वर्ड्स ही नहीं है। और दूसरा क्यों किया गया यहाँ, डॉक्टर प्रदीप नरवाल जिनका एक्सपीरियंस वो चाहते हैं 2009 से 2013 तक का, जब वो यहाँ कंसोलिडेटेड पे फिक्स पे थे, उसको स्केल में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं और समय से पहले प्रमोशन लेना चाहते हैं, इस चीज के लिए यहाँ पर ये काम हो रहा था। और जो फिक्स है, आप ये देखिए कि स्केल के लिए या सीनियर अपवर्ड मूवमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको फिक्स ना मिलता हो, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के बराबर एक साल या एक से ज्यादा की नौकरी हो और वही सैलरी मिलती हो, जिनमें से दोनों में से कोई भी चीज डॉक्टर प्रदीप पूरी नहीं करते हैं। और इसी चीज के लिए 3-4 कमेटीज की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में स्क्रूटनी कमेटी ने इनको बाहर कर दिया गया, अनएलिजिबल हुए हैं, लेकिन ये वीसी साहब करना चाहते हैं इन्हें एलिजिबल। तो क्या? और मेरे साथ पर्सनल सिर्फ ये कि बीइंग द टीचर ऑफ लॉ मैं गलत नहीं होने देती, मेरे ऑफिस से कोई चीज गलत बिल्कुल नहीं होगी। इसी चीज की सिर्फ तकलीफ है डॉक्टर प्रदीप को भी और वीसी साहब को भी, या एकेडमिक काउंसिल में कोई मैटर है तो सिर्फ ठप्पा लगाया जाए, मुंह बंद करके बैठा जाए, ये तकलीफ इनको है। और इस चीज के लिए जिस लेवल का हरासमेंट ये कर रहे हैं वीसी साहब और डॉक्टर प्रदीप ने तो सभी लिमिट्स क्रॉस कर रखी है। मेरा हेड का नाम इस्तेमाल करके जगह जगह लेक्चर्स देके आते हैं, लीगल लिटरेसी कैंप्स कहीं होते हैं जहां हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और बच्चों की इन्वॉल्वमेंट है उसको छोड़ के वीसी साहब इनके थ्रू करा रहे हैं। और जब उनको ये बताया जाता है ना कि हेड और डीन बीइंग ए फीमेल आए हैं, तब उन्हें लगता है कि हाँ यस, कि अब कुछ ना कुछ होने वाली है गड़बड़, देन इट्स बेटर कि इसको इसका काम दे दिया जाए। तीसरा, इस इंस्टीट्यूशन का एग्जिस्टेंस चाहे वो वीसी साहब है चाहे मैं हूं या कोई टीचर है, सिर्फ बच्चों से है, बच्चों के कैरियर से खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये डॉक्टर प्रदीप गंदगी मचा रहे हैं लॉ डिपार्टमेंट में और डीपीएस पुनिया मचा रहे हैं। ये लोग जानबूझ के 3 इयर्स के बच्चों का पहला बैच निकलने वाला है, बहुत मेहनत के साथ ये पौधा हमने इस रिमोट एरिया में लगाया कि रिमोट से जो बच्चे हैं महेंद्रगढ़ के हैं और बाहर के बच्चे, इन बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और इन्हें लीगल एजुकेशन के लिए दूर ना जाना पड़े। इन्हें तकलीफ ये थी कि यहाँ LLB आने से पहले 15-20 बच्चे सिर्फ थे LLM में और ये पूरी सैलरीज लेते थे। दे नेवर वॉन्टेड कि भाई इतना वर्कलोड बढ़े, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मुझे ये था कि नहीं, यहाँ लॉ डिपार्टमेंट जरूर हो। उसके अगेंस्ट चले ये पुनिया जी, चले और भी फैकल्टी हैं जिनको वीसी साहब की शेयर मिलती है और डिपार्टमेंट में बच्चों का पहला जो बैच निकलने वाला है उनकी वो हरासमेंट इस डिपार्टमेंट में हुई है। असेसमेंट में 2 नंबर, 3 नंबर, 0 नंबर, यहां तक कि अटेंडेंस 0 कर देते हैं। और कब कब अगले दिन बच्चों के पेपर हैं और अच्छे सिंसियर बच्चे, उनकी 2 अटेंडेंस, 3 अटेंडेंस, 5 बजे ये डीपीएस पुनिया और ये प्रदीप नरवाल वो अटेंडेंस मेरे पास लेके जाते हैं, वीसी साहब वहां पे से गायब हो जाते हैं कि ये अपनी शिकायत लेके या अपनी रिक्वेस्ट लेके भी ना जा सके। और मैं वहां पे कोर्ट में जा जाके और इनके एफिडेविट्स बच्चों के भरवा के, और ये तो आप ये देखिए कि जिस संस्था में बच्चे जिनसे हमारा वजूद है उन्हीं का कैरियर यहाँ पर नहीं है तो फिर हम क्या है यहाँ। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, मैं सरकार से भी आह्वान करना चाहूंगी और मैं यहाँ धरने पे आज से यही बैठूंगी कि सरकार ने बहुत सोच समझ के यहाँ पर किसी पर्सन को विश्वास के साथ यहाँ भेजा है। ये पब्लिक ट्रस्ट है और ये जो पोस्ट है ना स्टैट्यूटरी पोस्ट है, जहां हमारा हम तो सिर्फ ट्रस्टी हैं उस पैसे के भी और इन बच्चों के भी, इन्हें बेस्ट देने के लिए। और अगर हम इन दोनों में से किसी भी चीज को नहीं कर पाते, मैं या वीसी साहब है, तो हमारे को कोई राइट नहीं है उन चेयर्स के ऊपर बैठने का। और मैं CBI से मैं चाहती हूँ कि सरकार जो है इंडिपेंडेंट या CBI इंक्वायरी कराए, क्योंकि वो सारी चीजें जो ये वहां बैठ के नहीं कर पाते इस रिमोट एरिया में, इस जगह पे बैठ के इन जगहों को इस चीज के लिए यूज किया जाता है। और मैं तब तक यहाँ बैठूंगी जब तक यहाँ CBI इंक्वायरी नहीं होती इंडिपेंडेंट। और पीछे जितने अपॉइंटमेंट से कर चुके हैं वहां पे भी इनके ऊपर बहुत सारे इस तरह के आए हैं, तो उन सारों की होनी चाहिए। और डेफिनेटली
वही व्यक्ति यहाँ आए जो वाकई में ही कैलिबर को लिए हुए, ताकि हमारे बच्चे जो हैं उनके फ्यूचर को सुधारा जा सके। भर्ती प्रक्रिया में धांधली मानते हैं आप? बिल्कुल मानती हूँ। आप ये देख लिए प्राइमर फसाई है सामने, देखिए औरों का तो मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन जिस तरह की चल रही है वहाँ पे एक्टिविटीज, अच्छे अच्छे बच्चे जो है ना सिलेक्शन में रहे हैं, अच्छे अच्छे बच्चे कि जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो स्टूडेंट्स रह जाते हैं, और जो बिल्कुल जो है कहीं स्टैंड नहीं करते उनके यहाँ अपॉइंटमेंट्स चल रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ है, और बिल्कुल होनी चाहिए इंडिपेंडेंट। आजकल जमाना जो है ना वो सीक्रेसी का नहीं रहा है। RTI है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, डेमोक्रेसी है, और हर एक को राइट है सही चीज को सही कहने। तो आज क्या भर्ती प्रक्रिया जो हो पाई मैम? मुझे नहीं पता क्या कह के गए हैं और क्या करके गए हैं, लेकिन उस सब के बाद इन्होंने फाइल जरूर बंद करी है। बाकी तो VC साहब आपको ज्यादा बेटर बता सकते हैं, लेकिन जब मेरे यहाँ एंट्री हुई तो किसी के पास कहने को कोई शब्द नहीं था, कोई शब्द नहीं था, क्योंकि तीनों स्टेजेस पे बाईपास करके गलत कार्य हो रहा था। ठीक, ओके। देखिए ये प्री स्क्रीनिंग है। प्री स्क्रीनिंग जो है उसमें कोई रूल नहीं है, कोई मेथड ही नहीं है, कोई ऑर्डिनेंस नहीं है, कुछ नहीं है। जो प्री स्क्रीनिंग हम अपने फायदे के लिए करते हैं कि स्क्रीनिंग से पहले जो है, जो फाइनल स्क्रीनिंग है, जो फाइनल इंटरव्यू है, उससे पहले हमें पता चल जाए कि ठीक है कि नहीं है। तो उसके लिए कमेटी जो बनती है, तो उसमें हमारे पास कोई भी किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट का भी, कहीं का भी, बाहर का भी, कोई इसमें कोई रूल नहीं है। इसके प्री स्क्रीनिंग करते हैं हम, ये कर रहे हैं। तो सर बाकी ऐसे भी आरोप लगे हैं कि आप जो आपके चहेते प्रोफेसर हैं उनका प्रमोशन कर रहे हैं, बल्कि आप सीनियरिटी के हिसाब से नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मैंने जो 100 से ज़्यादा प्रमोशनें करी हैं, केवल 10-15 ही बाकी हैं। तो 100 से ज़्यादा यदि करी हैं तो सारे चहेते मेरे हो सकते हैं, क्योंकि मेरा हर टीचर मेरा चहेता है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये सही है कि टर्म जो है, प्रमोशन जो है, उससे नहीं हो रही है। ये मैंने 4 दिन पहले ही डिसाइड किया है कि मैं सारी जो प्रमोशन जो है उसके हिसाब से करूंगा, कि जो 2017 से 2016 से ड्यू है सबसे पहले मैं उसका करूंगा, उससे पहले किसी का नहीं करूंगा।